नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केतु की। यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति कमजोर है तो वह बहुत ज्यादा अशुभ मानी जाती है। कहा जाता है यदि केतु की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर होने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही एक ही युग में माने जाते हैं और यदि दोनों की स्थिति खराब होती है तो वह स्थिति आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुर्लभता लाती है। यदि आप चाहते हैं कि केतु का प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े तो कुछ चीजों का दान करने से आप इस प्रभाव को काफी हद तक रोक सकते हैं। जानिए इस वीडियो से कि कौन सी चीजें आपको दान करने से केतु के प्रभाव से बच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि निशा काल में इन चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, कंबल या फिर सरसों के तेल, हो सके तो काले तेल डालकर सरसों का तेल में दान करने से आपको काफी हद तक वह चीजों से के प्रभाव से बचा जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि केतु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से आपकी स्थिति में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। अगर केतु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो सबसे ज्यादा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है और जिसका प्रभाव पड़ने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है और लंबे समय से आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहते हैं कि वह बीमारी से आपको जल्दी ही निजात मिल जाए, तो ध्यान रखें कि कुंडली में अपने केतु की दशा को जरूर देखें और यदि दशा खराब है तो इस दशा में आप इन चीजों का दान जरूर कीजिए। यदि आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपके जल्दी ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और आप इस चीजों का दान निशा काल में करें, यानी कि सुबह और दोपहर के समय जब मिलता है उस समय के बीच में ही इस चीजों का दान करते हैं तो इन चीजों से बचा जा सकता है। तो आप केतु की दशा को ठीक करने के लिए इन चीजों का दान करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।